गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 49, ब्रेन पावर। सो यू ओपन योर जीके बुक, लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर। चैप्टर 49, ब्रेन पावर। यहाँ पर बेटा कुछ पैटर्न बनाए गए हैं, उसी पैटर्न के बेस पर आपको बताना है कि नेक्स्ट जो फिगर है वो कौन सा होगा। कंप्लीट द सेट शो बिलो। यहाँ पर देखिए एक सेट दिखाया गया है। फर्स्ट में देखिए इसमें फोर सभी बॉक्स जो है वो क्लोज हैं प्लस के, फिर यहाँ से एक लाइन हट गई। सेकंड में देखिए यहाँ से दूसरी लाइन को हटाया गया। थर्ड में क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन लाइन हट गई है। फोर्थ फिगर में क्या होगा, ये प्लस का सिंबल इस तरह से दिखाई देगा जिसमें कि 1 2 3 4 ये सभी लाइंस जो है वो हट जाएगी। सेकंड में देखिए, देखिए एक एरो है, फिर यहाँ पर दो एरो हुआ है, मगर क्या हुआ है, यहाँ पर सर्कल पीछे था, यहाँ पर सर्कल आगे हो गया। अब यहाँ पे थ्री एरो है, यहाँ पर देखिए इसका शेप कैसा हो गया, पहले पीछे सर्कल, आगे सर्कल, फिर पीछे सर्कल। अब यहाँ पर कितने एरो हो गए हैं, फोर एरो हो गए हैं, तो यानी यहाँ पर देखिए पीछे सर्कल, आगे सर्कल, पीछे और आगे। अब यहाँ पर कितने एरो होंगे, फाइव होंगे। इसी तरह से आगे थर्ड में देखिए ये एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ था, यहाँ पर सेकंड में हमने एक लाइन खींची ऐसे हाफ से, फिर थर्ड में क्या किया हमने, कैसी लाइन खींची, फोर्थ में क्या हुआ, इसके ऊपर एक लाइन खींची गई। और नेक्स्ट फिफ्थ फिगर में क्या होगा, यहाँ पर भी हमें कैसी लाइन खींच देंगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। फोर्थ में देखिए यहाँ एक क्लॉक बना हुआ है जिसमें कितना बज रहा है, 3 o'clock टाइम है। सेकंड में क्या हुआ, 3:10 हुआ, फिर यहाँ पर कितना हुआ, 3:20 हुआ। यानी एवरी क्लॉक में हम 10 मिनट के टाइम्स को जो है वो इनक्रीज़ करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 3:20 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, 3:30 हो गया। अब क्या होगा, 3:30 में अगर आप 10 प्लस करते हैं तो क्या आपका आंसर आएगा, 40 आएगा। तो देखिए इस क्लॉक में यहाँ पे कितना टाइम शो करेंगे हम, 3:40। फिफ्थ में देखिए फोर साइड में क्या है, प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, एक इक्वल टू का साइन आया और तीन ऐड के साइन है। फिर इसमें क्या हुआ, दो इक्वल टू का साइन, दो ऐड का साइन। फिर इस फिगर में क्या होगा, 3 इक्वल टू का साइन हो जाएगा, 1 2 3 इक्वल टू का साइन और एक ऐड। नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, यहाँ पर चारों कॉर्नर पर इक्वल टू के साइन आ जाएंगे। सिक्स्थ में है देखिए ये एक बॉक्स बना हुआ है जो फोर पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ पर क्या हुआ हमने एक बॉक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया। फिर नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसके बगल वाले बॉक्स को टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसके नीचे वाले बॉक्स को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो एक बॉक्स बच गया है इसे भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से जो हमारा बॉक्स अभी यहाँ पर कितना था, स्टार्टिंग में फोर था, अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 8 पार्ट में। इसी तरह से आप सभी सेवेंथ को खुद से फिल करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आगे बताया गया है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लास्ट वाले बॉक्स को फिलअप करना है। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 49 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। थैंक यू।